राम नाम का पीके प्याला राम की धुन में डोलेगा और भारत का हर बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। आज श्री राम रसोई में आए हुए हैं, हमारे साथ है सतमीत भैया जो यहाँ पर 10 बजे से सेवा की ड्यूटी लगा रहे हैं। सतमीत भैया आपका स्वागत है, मास्क हटा दीजिए ना थोड़ा सा। कौन सा दिन है आज? आज 15 तारीख से हम ये सेवा कर रहे हैं। मतलब 19वां विश्व दिन है यहाँ पर। क्या क्या बना है आज? आज चना आलू की सब्जी दाल चावल और अचार है जिसमें हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। 12:30 से सेवा चालू हो गई है और हम 11:30 बजे से इसकी पूरी तैयारी कर ली है डेली। तो ये तैयारी कितने टाइम से शुरू हो जाता है? जैसे कि 300 लोगों का भोजन कराना है यहाँ पे। 300 लोग का भोजन है तो भोजन सुबह से बनना चालू हो जाता है। जी जी, जी। और हम यहाँ पे टेंट टेबल और सफाई का कार्यक्रम सवेरे 10-11 बजे से चालू कर देते हैं। टेंट टेबल मतलब समझ नहीं पाया? ये टेंट टेबल जो लगा आपके सामने में, अच्छा अच्छा, जो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। डेली कैनोपी हम लगाते हैं, कैनोपी निकाल के फिर अंदर मंदिर में लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये हर दिन होता है ना? ये हर दिन होता है और उसकी सफाई भी करनी होती है, टेबल जो गंदे होते हैं। तो इसकी सेवा के लिए हम डेली 4 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं। आज मैं सतमीत सिंह ड्यूटी पर हूँ और सेवा प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद। आइए जानते हैं और लोगों से। हमारे साथ नगर अध्यक्ष हैं श्री राजीव अग्रवाल जी। सर कैसा चल रहा है कार्यक्रम, बताएं सर। ये हमारे गुप्ता जी हैं, श्री राम रसोई से रोज भोजन सेवा प्राप्त कर रहे हैं। गुप्ता जी कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना है। और धर्म का काम करने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म का काम भी कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है काम, ये बहुत अच्छा लग रहा है। गुप्ता जी आपकी पान की दुकान है? हाँ जी, बस स्टैंड पान की दुकान है जी। तो आपके लिए जब से ये मतलब श्री राम रसोई ओपन हुआ है तब तो मैं बोलूँगा अगर आपके जगह मैं रहता तो गर्म खाने का एकदम तुरंत व्यवस्था हो गया मेरा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हमारे साथ हैं बिलासपुर विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी और जानते हैं ये पुनीत कार्य श्री राम रसोई का जो 10 रुपये में भोजन है वो कैसा चल रहा है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत कार्य चल रहा है, ये पूरे शहर से जो इसका रुझान मिल रहा है और जो लोगों की संतुष्टि है, क्योंकि भूखे को भोजन करने से बड़ा पुण्य काम नहीं है। तो इस काम को करने से जो हम भाई लोग को संतुष्टि मिल रही है वो किसी भी धन से परे है। और सबसे मुख्य बात सर, मैं आपको पूरे नगरवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा और इसका श्रेय आपको और आपके पूरे कहना चाहिए सेवकों को जाता है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जो लगातार लगभग 20 दिनों तक इस काम को जारी रखे हुए हैं। और जैसे कि सतमीत भैया ने बताया कि 10 बजे से आना पड़ता है, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही 3 बजे के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता होगा क्योंकि 300 लोगों का भोजन है तो सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें हैं। सतमीत भैया जी, ये जो सेवा हो रही है उसके बाद जो मन की संतुष्टि मिलती है किसी भूखे को भोजन खिलाने के बाद, उसकी जो फीलिंग है वो एकदम अलग है। मैं चाहूँगा बिलासपुर नगर वासियों को कि आप भी आएँ और इस अच्छे काम में अपना योगदान दें। धन्यवाद सर। वो 10 रोटी वाला जो खास कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए। 10 रोटी जो है कि जो भी हमारी घर की अन्नपूर्णा देवियाँ हैं वो अन्नपूर्णा देवियों के हाथों से अगर मात्र 10-10 रोटी एक महीने में एक बार आपकी कॉलोनी संगठित होकर के श्री राम रसोई में भेज दें। तो इसको करना कैसे है? जैसे कि कोई करना चाहता है, कोई 10 रोटी देना चाहता है, कोई करना चाहता है हमारे नंबर में फोन करे। हाँ, नंबर बता दीजिए 7000613713। और सतमीत जी इस कार्य के संयोजक हैं तो सतमीत जी का नंबर सतमीत जी बता। मेरा नंबर 9691931099। इस कार्य में जुड़ने के लिए आप उससे संपर्क कर सकते हैं और आप किसी भी कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी में रहते हैं अगर तो आप वहाँ के अध्यक्ष से मुझे कनेक्ट करें ताकि हम उनसे बात करके महीने में एक दिन आपको यहाँ से जोड़ सकें ताकि आपके कॉलोनी के तरफ से श्री राम रसोई का उस दिन का सेवा प्रभार हो सके और ये महीने में हर एक दिन आप इसको कर सकें। जैसे कि कई लोग कॉलोनी में नहीं रहते, इंडिविजुअल हाउस है और मान लीजिए महिलाएं हैं, पुरुष लोग चले जाते हैं बाहर, तो वो लोग अपना रोटी भिजवाना चाहते हैं तो कैसे भिजवा सकते हैं? वो हमारे नंबर पे फोन करें तो पिकअप कर लेंगे, रोटी हम पिकअप कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। सभी तरह है और प्रत्येक महिला की 10 से 15 आराम से कनेक्शन होते हैं। बिल्कुल, कोई भी महिला इन 10-15 अपनी किटी फ्रेंड हो, अपने मित्र हो, अपने रिश्तेदार हो,
इन जगहों का एक समूह बना करके अगर ये हमको रोटी की सेवा उपलब्ध करा दें तो उनका उनके द्वारा पहुंचाया गया रोटी रूपी प्रसाद हम लोगों को यहाँ पर ग्रहण करा देंगे, जिसकी पुण्य का जो काम है वो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।